स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, क्लास फोर्थ, पार्ट 3। जब मैं पढ़ता था। पाठ प्रवेश। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बच्चों बताओ यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? हाँ, गांधी जी। उन्हें ही साबरमती का संत कहा जाता है। इस पार्ट में हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। गांधी जी कह रहे हैं, मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म, यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। यानी पोरबंदर एक जगह का नाम है जो गुजरात में है। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। एक एक कक्षा पार करके मैं हाई स्कूल में आ गया। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। मेरे हाथ तो कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें, ये मेरे लिए असहनीय था। मुझे याद है एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का दुख था। ये बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बार सातवीं कक्षा की है। हमारे मुख्य अध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इनमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले भी कभी व्यायाम या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी ये अरुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ना चल सका। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे ना आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी वे बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। मुझे दंड भुगतना पड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, ये कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय ना था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। ओके, टर्न द पेज। मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया। यानी व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। इसलिए शरीर को व्यायाम ना देने की गलती के लिए शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर यह गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन ज़रूरी नहीं है। विलायत जाने तक ये विचार बना रहा। बाद में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों और अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। यानी अगर हम गंदा लिखते हैं तो वो अधूरी शिक्षा होती है। हमें साफ लिखना चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पक्का घड़ा कहीं कहीं चाक पर चढ़ता है। यानी जो घड़ा पक जाता है वो कभी चाक पर नहीं चढ़ता। यानी हमें जब हम छोटे होते हैं तभी हमें अपनी जो राइटिंग है वो अच्छी करनी चाहिए, बाद में नहीं होती। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है। सभी मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला
अवश्य आवश्यक है, इसलिए बालकों को चित्रकला पहले सीखनी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखते हैं और आसानी से पहचानते हैं, उसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तो तभी अक्षर पहचानना लिखना सीखें, तो उसका उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। इस समय के विद्याधन के कुछ स्मरण को और भी उल्लेखनीय। छठी कक्षा के मेरे संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते थे, परंतु मैंने संस्कृत की कक्षा छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठना शुरू कर दिया। फारसी के मौलवी बहुत नरम दिल के थे, लेकिन इस बात से संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे समझाया, मैं तो सब छात्रों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ, आगे चलकर उनमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे, तो यूँ हारना नहीं चाहिए, तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं आज कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतनी भी ना सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस ना ले पाता। अब तो ये भी मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मृतभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद आदि पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेज़ी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो तो ये भाषाएं सीखने में बहुत ही आनंद आएगा। जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। ओके, पार्ट इज़ कम्प्लीट। मोहनदास करमचंद गांधी ने ही ये पार्ट लिखा है। ओके, इसके जो शब्दार्थ हैं आप उनको पेज नंबर 31 पे देख सकते हैं। आपको अपना चैप्टर 3 कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 4 डाल के अपनी फेयर नोटबुक में ये शब्दार्थ राइट करने हैं, और बाकी का जो भी आपके एक्सरसाइजेस हैं वो आपको वर्कशीट में मिल जाएंगी। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।